सेंटर ऑफ चार्ज। बिल्कुल भी काम का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज। सिर्फ एक एनालॉजी बनाने के लिए कि हाँ यार सेंटर ऑफ मास होता था इसलिए सेंटर ऑफ चार्ज भी कुछ शायद हो। तो क्यों ये काम का नहीं होता, क्यों इससे आप कुछ नहीं कर सकते? याद करो सेंटर ऑफ मास से हम क्या निकालते थे, सेंटर ऑफ मास से और क्या नहीं निकालते थे, ये भी दोनों चीज पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास से हमें मोमेंटम का पता लग जाता था, बॉडी का मोमेंटम कितना है। तो बेसिकली उसका इनर्शिया से ज्यादा रिलेटेड था। तो मास की होती है दो प्रॉपर्टीज, जिसमें से एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शियल मास और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास। तो सेंटर ऑफ मास इनर्शियल मास के लिए यूज होता है, यानी इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी जो होती है मास की उसमें यूज हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशन में आपने कभी नहीं करा होगा, ऐसा नहीं करा होगा कि एक रॉड दी हुई है इसका सारा का सारा मास सेंटर मान लो और ग्रेविटेशन फील्ड निकाल लो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो सेंटर ऑफ चार्ज का, तो चार्ज में तो कोई इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होती नहीं है, चार्ज में सिर्फ फोर्स वाली प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं। तो इसलिए सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो एज सच इट इज ऑफ नो यूज। लेकिन सेंटर ऑफ मास के लिए एक सेंटर ऑफ चार्ज हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट विल बी डिफाइंड लाइक दिस। डाइपोल मोमेंट, जैसे आरडीएम होता था इंटीग्रेशन आरडीएम, उसको हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास बोलते थे, मोमेंट ऑफ मास था वो। यहां पर भी मोमेंट ऑफ चार्ज है, बट इट हैज अनदर नेम बिकॉज इट इज अ यूजफुल क्वांटिटी, इट हैज अनदर नेम डाइपोल मोमेंट एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी क्यू। सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर नेट चार्ज जीरो हुआ, जो कि बहुत आराम से हो सकता है, जैसे कि प्लस और माइनस, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज ले लिया आपने, तो नेट चार्ज जीरो हो गया, सो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट एनी वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई यूजफुल तो होता नहीं है, आप इससे कोई फोर्स नहीं निकाल सकते किसी के ऊपर इसकी पोजिशन से। सो सिर्फ एक चीज में मे बी यूज हो जाएगा, मान लीजिए बहुत सारा चार्ज मतलब शेल पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही लिमिटेड यूसेज है इसका, ध्यान समझ लें, बहुत सारा चार्ज शेल पे ऊपर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपने क्या काम करा है इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकाला, तो सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आप ये सारे के सारे चार्ज को सेंटर ऑफ चार्ज मानते हुए निकाल सकते हैं। तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स में ही यूज होता है, यही चार्ज अगर रॉड पे होता तो आप नहीं कर सकते थे इसको, वही अगर नेट चार्ज जीरो है तो ये यूजलेस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, आपसे कई बार बस क्वेश्चन में पूछ सकता है बताइए सेंटर ऑफ चार्ज कहां पर है, और वो भी तब निकलेगा जब आपका नेट चार्ज नॉन जीरो है। तो यही थोड़ी सी इसकी फंडेबाजी है, समझ लो इसको, सेंटर ऑफ चार्ज इज नॉट अ यूजफुल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है अभी, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, ये देखो कि ये कोन है, कोन के सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, आपको ये लेंथ दिया हुआ है एल, सुन रहे सब लोग आवाज आ रही मेरी? हाँ यस सर। हाँ, कोन के सरफेस पे देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओनली ऑन द कर्व्ड सरफेस। अब हम एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए और यहां लाके रख दिया इसके एपेक्स पे, वर्टेक्स पे। तो आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन पूछा है तो आपको कुछ ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, यहां का पोटेंशियल निकालना है, एंड इफ यू नो यहां का पोटेंशियल वी है तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू इंटू वी माइनस जीरो क्यू वी, इतना ही वर्क डन आ जाएगा। तो मेन क्वेश्चन बचा कि यहां का पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, तो डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है इसमें, आप यू विल यूज इंटीग्रेशन, यहां से जाइए
कुछ डिस्टेंस दूर, इनफैक्ट आप यहाँ पर जो है ना एक्स मत लेना, ये ले लेना क्योंकि एल दिया हुआ है सिर्फ, ओनली एल इज गिवन, ना तो इसकी रेडियस गिवन है और ना ही इसका ये हाइट गिवन है, एल दिया है तो यहां से चले जाना एल डिस्टेंस अभी अलोंग द स्लांट हाइट। एल डिस्टेंस दूर जाओगे जब इसमें आप एक छोटा सा पोर्शन कट करोगे डीएल, यहां पर चार्ज लेंगे तो कितना चार्ज लेंगे और फिर उस सॉलिडिंग में क्या है बेटा, सॉलिड है या हॉलो है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अच्छा ठीक है ना, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म। सर तो हम एल डिस्टेंस पे एक रिंग टाइप का वो नहीं ले सकते, वही तो लिया मैंने सो यहां से एल स्लांट लाइट के स्लांट हाइट के अलोंग ही एल डिस्टेंस दूर पर एक डीएल थिकनेस का रिंग ले लो, तो थिकनेस जो होगी वो डीएल इसके अलोंग ही होगी स्लांट हाइट के अलोंग, तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी कर लेना आ जाएगा वहां से। अब इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाय होता था आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, जो कि सिंपली एल हो जाएगा, तो के डी क्यू बाय एल बचे गए। अब डी क्यू की वैल्यू डालोगे तो उसमें डीएल वगैरह आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने है जीरो से लेके एल तक, यू विल गेट वी, वी आ गया तो वर्क डन आ जाएगा, तो ये ऐसे करके इंटीग्रेशन कर लेना। ये सब आ जाएगा ठीक है, देख लो इसका यहाँ पर रेडियस जो है छोटा सा स्मॉल आर मान लेना, तो 2 पाई आर इनटू थिकनेस जो होगी डीएल होगी, ये चीज आ गई, सिग्मा का वैल्यू यहाँ रखोगे पाई वगैरह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर ये है स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। अब ये समझ लो ध्यान से, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर को आप स्मॉल डिवाइड बाय कैपिटल आर लिख सकते हो ठीक है, ये चीज रिप्लेस कर देना बिकॉज सब कुछ एल के टर्म्स में दिया हुआ है इसमें, ओनली एल इज गिवन, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर यहां से आएगा इसमें कुछ, तो आप इसको स्मॉल एल बाय कैपिटल आर लिख के सॉल्व करो। ओके तो ट्राई करना है इसको, अगर नहीं हो फिर दोबारा पूछना आ जाओ। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हमें जो है अभी डिस्कस करनी है, और ये हर आप कोई भी किताब उठाओगे तो सभी किताबों में आपको कोई ना कोई एक बढ़िया प्रॉपर्टी दिख जाएगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कंडक्टर्स में, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे। यस, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल द चार्ज will move to surface. First का reason आप बोल सकते हो कि due to electric repulsion, repulsion होता है सारे charges के बीच में, तो इस वजह से आपका जो सारा का सारा charge होगा that will come on to the surface. फिर उसके बाद electric field, अगेन अब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से शुरू होगी, it will start from the surface
और जब सरफेस से शुरू होगी तो इट विल बी परपेंडिकुलर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल. सरफेस जहां से भी स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली स्टार्ट होगी. ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड पे वैल्यू क्या होगा? बोलो भाई, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और आप एक एन कैप लगा दोगे टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन आल्सो. सो सिग्मा जो है जिस सरफेस के बाहर आप गए हो, ठीक है, जैसे ये शेप है कुछ भी, तो अगर ये पॉइंट आपने पकड़ा है तो इसके जस्ट पीछे यहां पर जो सिग्मा है उसका वैल्यू लेना है. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और एन कैप भी इसी सर्फेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर. तो दोनों के दोनों यही का सिग्मा और यही का एन कैप. उसके बाद पोटेंशियल के लिए ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद पोटेंशियल के लिए आ जाओ. पोटेंशियल के लिए प्रॉपर्टी देखिए क्या है. पोटेंशियल के लिए रहेगी दैट पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन कंडक्ट इन एंड ऑन, कहीं भी इन या फिर ऑन कंडक्टर. अब वो पॉइंट चाहे इनसाइड में कोई बल्क में हो अंदर, चाहे उसके सरफेस पर हो, हर जगह सेम पोटेंशियल होगा. सो डेल्टा वी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. डेल्टा वी हमेशा जीरो आएगा. अच्छा, वी जीरो आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट वी कांस्टेंट रहेगा, ये चीज है इसमें. फिर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सर सर बोलो. अंदर कंडक्टर कैसे रहती है? क्या अंदर कंडक्टर कैसे सेम रहते हैं? क्या चीज, दोबारा बोलो. जो पोटेंशियल है वो अंदर कंडक्टर सेम रहेगा कैसे? अगर पोटेंशियल अलग अलग हुआ दो पॉइंट्स का, तो चार्ज फ्लो कर जाएगा यहाँ से यहाँ. नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ अंदर कंडक्टर, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड. आवाज नहीं आ रही बेटा, टाइप करो. आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, उसके बाद जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोलती है? ऑन द कंडक्टर पोटेंशियल सेम कैसे? सेम लॉजिक बेटा, अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट हुआ तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, यानी चार्ज रुक गया है. चार्ज तभी रुकेगा जब वो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पर आ गया. सब जगह सेम पोटेंशियल है, इसलिए चार्ज अब मूव नहीं कर रहा कहीं पर. तो इस लॉजिक से बोल सकते हो आप, ठीक है? कंडक्टर अगर थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस आया तो तुरंत चार्ज मूव करेगा. यानी कि चार्ज अपने आप ही, आपको चार्ज होगी ना तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा. इट विल एडजस्ट, जहां ज्यादा पोटेंशियल है वहां से चार्ज निकल के लोअर पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा और तब तक मूव करता रहेगा जब तक हर जगह का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. सो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि चार्जेस के इक्विलिब्रियम में, हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा. All right. अच्छा, फिर आपको अगर याद हो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सरफेस के मतलब ऑन द सरफेस. ये तो जस्ट आउटसाइड लिखा था हमने, यहां तो लिखा था जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बेटा सरफेस के ऊपर?
ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ऑन द सरफेस बात कर रहे हैं। और अगर ऑन द सरफेस फील्ड इतना है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा छोटे से पैच पर, सिग्मा इंटू डी ए चार्ज, चार्ज है इस पे, तो ये फील्ड है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, सिग्मा इंटू डी ए से मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद ये डी ए से अगर आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट, ये फोर्स आ गया था डी एफ, अब अगर यहीं से आप डी एफ बाई डी ए निकालोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये भी इसी की एक प्रॉपर्टी। और बड़ी खास बात है ये सब पढ़ चुके हैं अभी तक। प्रीतम प्रकाश ये चैट चल रही, चैट में क्या चल रहा है सब? एक केयर दोबारा ना हो ये सब, मीटिंग से वरना निकाल दे जाओगे तुम अभी। सो डी एफ बाई डी ए जो है वो सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड दैट वाज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी हम एक बार और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। चलो अब मेन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको समझने की कोशिश करें। तो हमें दो तीन बातें मालूम है ऑलरेडी, दो तीन बातें क्या मालूम है कि कोई भी अगर कंडक्टर है अंदर बल्क में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अगर आपने अंदर एक कैविटी बनाई, देयर इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं आएगी। अगर आपने यहां पर कहीं बाहर चार्ज रख दिया या फिर इसी सरफेस के ऊपर कुछ भी चार्ज है, अगर तो ये जो कैविटी है विच इज द एम्प्टी स्पेस, ध्यान दो इट इज नॉट द बल्क, इट दिस इज नॉट द, यहां पर अंदर कंडक्टर नहीं है, ये कैविटी है। तो यहां पर डायरेक्टली ये बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये सही नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कंडक्टर में जीरो होती है तो कंडक्टर के बल्क की बात चल रही होती है, जहां पर कंडक्टर का मटीरियल है वहां पर जीरो होगी हमेशा। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना इसमें कि भाई यहां पर फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही बोलता है कि यहां पर जो अगर फील्ड आएगी तो वो बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं आएगी कोई भी। आप अगर यहां पर बाहर चार्ज लेके आते हो, ये वाला चार्ज यहां वाले किसी भी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा ओवरऑल। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ चार्ज फ्री कैविटी इज जीरो। लिख लो इसको क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज फ्री कैविटी विद एन कंडक्टर इज जीरो। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, विच इज ध्यान देना इट इज नॉट सेम एज दिस प्रॉपर्टी। ये बात कर रहा होता है कंडक्टर के बल्क की, जहां पर कंडक्टर है, जबकि ये बात कर रहा है उसके अंदर कैविटी, अगर खाली जगह है तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैविटी खुद चार्ज फ्री है, इसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। तो बाहर प्रेजेंट होने वाला कोई भी चार्ज यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करा पाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये प्रॉपर्टी खाली मतलब एक चार्ज्ड कंडक्टर के लिए है? कंडक्टर के लिए है, एनी कंडक्टर। न्यूट्रल, अगर कंडक्टर न्यूट्रल होगा तो फिर भी होगा? हाँ होगा, कंडक्टर कोई भी हो, कैसा भी, कैसे भी टाइप का कंडक्टर है उसके लिए ट्रू होगा।
सो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन इसका ही एक और एक्सप्लेनेशन आगे भी होता है। देखो सर ऐसा क्यों होता है? That proof is beyond our scope. उसको प्रूव करने के लिए आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस जो नॉर्मल प्रॉपर होती है वाली डिफरेंशियल फॉर्म जो होती है ये सब बताया था ना, ये सब थोड़ा सा यूज करना पड़ेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं अभी। आप ऐसा मान के चलो ये वाला जो पार्ट है कंडक्टर का दिस बिहेव्स लाइक अ बैरियर, यानी कि ये वाला चार्ज जो इस कंडक्टर के ऊपर है प्लस ये वाला चार्ज जो बाहर है उसका कलेक्टिव जो भी इफेक्ट आएगा वो कैंसिल होगा हमेशा अंदर, यानी कि उसको अंदर नहीं आने देगा ये मान लो। ठीक है, दो चार्जेस होंगे ध्यान समझना, एक चार्ज होगा आउटसाइड चार्ज। आउटसाइड चार्ज का मतलब क्या है? कुछ बाहर ऐसा चार्ज रखा होगा, प्लस एक चार्ज होगा अगर आप इस चार्ज को पास लेके आओगे तो यहां पर इंड्यूस चार्ज भी हो जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा फिर, तो ये इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज है। तो इंड्यूस चार्ज, और हो सकता है आपने और भी कोई चार्ज दे रखा हो इसको, ये न्यूट्रल ना हो, पहले से कोई चार्ज दिया हुआ है तो वो वाला चार्ज भी, कुछ और एक्स्ट्रा आपने चार्ज भी दिया हुआ है इसको। सो प्लस चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर, इन सब का इफेक्ट मिलाकर जीरो आएगा अंदर कैविटी के अंदर, जिसमें से कैंसिल कौन कौन से करते हैं मैं बताता हूं आपको। जो चार्ज आपने आउटसाइड वाले सरफेस पर दिया है कंडक्टर को, ये तो कभी भी कोई फील्ड बनाएगा ही नहीं अंदर, और आउटसाइड चार्ज प्लस इंड्यूस चार्ज ये आपस में हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये दोनों ही अपने इंडिविजुअल फील्ड बना रहे होंगे अंदर, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट बनाएंगे हर पॉइंट पर। सो इंड्यूस चार्ज हमेशा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सच दैट इसका इफेक्ट को कैविटी में कैंसिल कर दे, ये वाली बात समझ लो अच्छे से। अच्छा आगे ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछना, अभी सब पे आएंगे, डोंट वरी, सारे अभी डिस्कस करेंगे, अंदर चार्ज होगा तो क्या होगा, यहां पर चार्ज आएगा नहीं आएगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सब डिस्कस करेंगे, रुको आगे मत भागो, पहले एक चीज तो पढ़ लो। तो समझो ध्यान से क्या हो रहा है, आउटसाइड चार्ज प्लस ये बाहर जो इंड्यूस चार्ज है इसका इफेक्ट अलग से जीरो होगा, चार्ज जो आपने सरफेस पर कंडक्टर पर दिया है उसका अपने आप से इफेक्ट खुद से जीरो होगा, उसको किसी और के साथ पेयर करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सच दैट अंदर की फील्ड जीरो हो। तो आउटसाइड प्लस इंड्यूस मिला के ये जीरो होते हैं, ये कलेक्टिवली जीरो होंगे और ये अकेला जीरो होगा, फील्ड इनकी वजह से फील्ड बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, ओवरऑल इफेक्ट कभी भी कुछ नहीं आ पाएगा, हमेशा वो जीरो ही रहेगा। सो बाहर जो भी चार्ज हो कैसे भी कहीं भी रखा हो ये कंडक्टर अपनी कैविटी में कोई फील्ड नहीं बनने देगा, ध्यान दो। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज फ्री ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझ लो, आउटसाइड चार्ज प्लस इंड्यूस चार्ज कलेक्टिवली मेक नेट फील्ड जीरो इनसाइड कैविटी। अच्छा इंड्यूस चार्ज ऑन आउटर सरफेस ही है, ऑन आउटर सरफेस, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, आउटसाइड चार्ज प्लस इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस कलेक्टिवली मेक नेट फील्ड जीरो इनसाइड कैविटी, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। बाहर आप चार्ज मूव कराओगे या ज्यादा चार्ज लेके आओगे, पास लेके आओगे, तो यहाँ का इंड्यूस चार्ज अपने आप ही थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करेगा सच दैट यहाँ की फील्ड जीरो।
और अगर आपने अलग से कोई चार्ज इस पर दिया हुआ है तो वो अपने आप ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वो खुद से अपनी जो फील्ड बना रहा है वो कलेक्टिवली वो खुद से ही अपने आप ही जीरो हो जाए। तो अगर आप सोचो ना, इस पर टोटल चार्ज दो होंगे, एक तो इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा, हर जगह इंड्यूस चार्ज, और साथ में इसका जो खुद पे आप इसने इस पे चार्ज दिया हुआ है वो भी होगा। आप दोनों को अलग अलग सेपरेटली ट्रीट कर सकते हो और चाहो तो फिर उनका सुपर पोजिशन भी ले सकते हो। अल्टीमेटली तो नेट चार्ज डेंसिटी कुछ होगा, कुछ वैल्यू होगा जिसमें दोनों का इफेक्ट आएगा, इंड्यूस चार्ज का भी एंड जो आपने चार्ज दिया अलग से वो भी। तो मुझे बताइए क्या ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? सर आपने लास्ट में बोला जो चार्ज डेंसिटी है वो इंड्यूस्ड और उसके खुद के चार्ज के ऊपर दोनों पे डिपेंड करेगा, नेट चार्ज डेंसिटी। कोई भी सर्फेस का पार्ट उठा लो उसमें नेट चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी होगी प्लस जो आपने चार्ज दिया उसकी वजह से भी होगी। ठीक है सर, दोनों का सुपरपोजिशन सिंपल। लेकिन जब भी आप उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या कोई ऐसी पोटेंशियल वगैरह निकाल रहे हो तो अलग अलग ट्रीट करना ज्यादा बेटर है टोटल की बजाय, क्योंकि इंड्यूस चार्ज इसके साथ पेयरिंग करके जीरो कर देता है और ये वाला अपने आप में पेयरिंग करके जीरो कर देता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में थोड़ा सा उल्टा होता है। अब की बार हमारी जो कैविटी है इट इज नॉट चार्ज फ्री। मान लो आपने अंदर कोई चार्ज रख दिया यहां पर, नाउ दिस इज नॉट अ चार्ज फ्री कैविटी, तो अब मैं इसमें ये फंडा नहीं बोल सकता हूं कि यहां पर फील्ड जीरो होगी। इनफैक्ट यहां पर फील्ड होगी, सो हियर द फील्ड विल बी नॉन जीरो। अब ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले सरफेस पर चार्ज को इंड्यूस करेगा, तो इसका जो इनर सरफेस है देयर विल बी सम चार्ज विच विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड ऑन इट, जिसका अगर आप वैल्यू सोचो टोटल वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज मस्ट बी, सर फील्ड नॉन जीरो होगा ना? हाँ नॉन जीरो अंदर फील्ड नॉन जीरो करेक्ट। सो मैं बात कर रहा हूं इंड्यूस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस क्यू ही होगा। उसको कैसे बोल सकते हैं माइनस क्यू होगा? गॉसियन सरफेस लेके, हाँ एक गॉसियन सरफेस बना लो जो टोटली कंडक्टर के अंदर ही लाई करता है, ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना लो। तो यहां पर मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो है, तो नेट फ्लक्स जो इससे पास होगा वो जीरो होना चाहिए, विच शुड मीन दैट क्यू इनक्लोज इज जीरो। तो सिंपली आप बोल सकते हो दैट अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज आपने लिया है तो अंदर यहां पर नेगेटिव क्यू इंड्यूस हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, दिस प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन द आउटसाइड चार्ज। इन दोनों को अगर आप पेयर बना लो, इसको और इसको पेयर बना दो, तो इसका भी कोई इफेक्ट इधर नहीं है। और यहां पर आप अलग से तो कोई चार्ज दे नहीं सकते, बाहर वाले सरफेस पे क्या होता है आप अलग से कोई भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो बाहर वाले सरफेस पे आ जाते। अब अगर आप कंडक्टर को चार्ज दोगे अंदर वाले सरफेस पे तो नहीं आता, तो यहां पर तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक ये जो चार्ज रखा है अंदर प्लस इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड है, इनकी पेयरिंग हमेशा होती है। ये दोनों पेयर वाइज देयर विल क्रिएट नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन द आउटसाइड चार्ज। अब ये बात अलग है, ध्यान से सुनना ही चीज, अगर आपने प्लस क्यू यहां रखा तो यहां माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और अगर ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो जितना ये माइनस क्यू यहां पर इंड्यूस हुआ उतना ही प्लस क्यू बाहर चला जाएगा। ये बात ट्रू है, नो डाउट। ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसको अफेक्ट करेगा, फील्ड जो होगी इसी की वजह से बनेगी। हम सिर्फ बात कर रहे हैं ये वाला प्लस क्यू और उसकी वजह से जो इंड्यूस चार्ज है, अगर उन दोनों को पेयर बना लिया जाए तो पेयर वाइज दे विल क्रिएट जीरो फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। यहां भी तो यहां तो होगी, यहां तो ओवरऑल ही जीरो होगी, लेकिन बाहर भी इन दोनों की वजह से फील्ड नहीं होगी। बाहर वाले पॉइंट्स पर किसकी वजह से फील्ड होगी? सिर्फ आउटसाइड वाला सरफेस की वजह से। सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि जनरली कम यूज होता है
बट हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो काफी यूज होगा ये, ठीक है। मेन जो स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डेफिनेशन अगर आप पूछे तो ऐसे करके लिखते हैं, सेकंड वाले पॉइंट की जरूरत ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज फ्री कैविटी विद इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो देखिए क्या है, ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी विद इन कंडक्टर एंड इंड्यूस चार्ज ऑन इनर सरफेस इज जीरो। और ये कलेक्टिवली जीरो हो रहा है, ध्यान रखना। अगेन मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं अभी आपको, यू डोंट रिक्वायर इट। अभी आप बस ये मान लो कि यार जब यहां पर फील्ड गायब होती है ना बीच में, तो एक तरह का बैरियर बनाया होता है, तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से यहाँ कोई फील्ड नहीं होगी, अंदर वाले जो चार्जेस हैं उनकी वजह से बाहर कोई फील्ड नहीं होगी। तो कंडक्टर एक्ट्स लाइक अ बैरियर बिटवीन दीज टू, कोई कम्युनिकेशन नहीं करा पाएगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? बोलो भाई क्लियर है? नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद इसी का एप्लीकेशन है। ये ध्यान से समझना कि फील्ड किसके लिए, किसकी वजह से पूछी है। चार्ज फ्री कैविटी के अंदर कोई नेट फील्ड पूछेगा तो आप जीरो बोलोगे, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछे दैट फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इनसाइड द कैविटी ओनली ड्यू टू दिस चार्ज, वो जीरो नहीं होगी। सिर्फ अगर आप इस वाले की वजह से फील्ड देखोगे अंदर, दैट विल नॉट बी जीरो। कलेक्टिवली जीरो हो रही है, ध्यान समझना, नेट फील्ड जीरो है। तो इस वाली चार्ज की वजह से, अगर बोले सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से बताओ यहां पे फील्ड होगी कि नहीं होगी, तो होगी, लेकिन वो कैंसिल हो रही है ड्यू टू दिस चार्ज, जो इंड्यूस चार्ज आया इसके ऊपर, उसकी वजह से इट विल बी कैंसल्ड आउट। सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर चाहिए मुझे फील्ड, तो ठीक है के क्यू बाय आर स्क्वायर यार हो जाएगा, इतनी फील्ड बना रहा होगा ये, क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको पता होगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि बाकी चार्जेस की वजह से जो इस चार्ज की फील्ड है वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। तभी हम जो है सबकी फील्ड अलग अलग निकाल के नेट फील्ड वेक्टर सम से निकाल देते। इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो इंड्यूस चार्ज आया उसकी वजह से यहां पर फील्ड कितनी होगी, तो आप जितनी इसकी फील्ड बनी थी उसका नेगेटिव बोल दोगे, उसको निकालने का और कोई तरीका नहीं है बेटर। बाकी आपको फिर अगर एग्जैक्टली निकालना है तो पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, फिर एग्जैक्टली हर एक पॉइंट की वजह से आप फील्ड निकालोगे, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस मतलब नहीं हो पाएगा। एक्चुअली सिमेट्रिकल सर्फेसिस में मे बी हो जाए, बट नॉर्मल रेगुलर इरेगुलर सर्फेसिस में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन है अब कि यहाँ पर नेट फील्ड जीरो है, अगर नेट फील्ड जीरो है तो जितनी फील्ड इसने बनाई है उसका नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है बनाई है। तो ऐसे करते हैं इस चीज को, देखो
मान लीजिए कि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल कंडक्टर है थिन शेल, थिक भी हो सकती थी, थिक में भी कोई बहुत बड़ी वाली कोई बड़ी प्रॉब्लम। एक चार्ज यहां रखा है कैपिटल क्यू, एक चार्ज मैंने यहां पर सेंटर पर रखा है स्मॉल क्यू, एंड दिस इज न्यूट्रल। इनके बीच का इसका रेडियस आर है, अगर तो इनके बीच का सेपरेशन 3R दिया हुआ है, सेंटर टू चार्ज। अब यहां पर तीन एंटिटीज है बेटा, स्मॉल प्लस क्यू कैपिटल क्यू, ये सॉरी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एंड दिस शेल, तीनों पर लगने वाले नेट फोर्सेस के बारे में बात करनी है। तीनों पर लगने वाले नेट फोर्सेस के बारे में हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। लेट्स तो क्या बोल सकते हो आप इस पर नेट, मतलब सिर्फ जीरो है या नॉन जीरो भी इसके बारे में बात करो तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा क्यू पर। बोलिए स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स जीरो जीरो जीरो, नो डाउट। व्हाट अबाउट कैपिटल क्यू, क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा? नो सर। इस पर आएगा तो ऐसा कैसे हो रहा है यार, इस पर नेट फोर्स जीरो है और इस पर नेट फोर्स नॉन जीरो है। तो वो स्मॉल क्यू तो कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा बाहर सरफेस पे, जिसकी वजह से उस पर नेट फोर्स आएगा। यस ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये अगर ये सफिशिएंटली लार्ज मैंने मान लिया, इट इज सफिशिएंटली लार्ज सच दैट ये कुछ भी चार्ज इधर इंड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा होगा, इस न्यूट्रल बॉडी पे ही एक नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ इंड्यूस करेगा, ध्यान समझ लेना ये, विच विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और सिंस ये न्यूट्रल ओवरऑल तो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा इस पर। नाउ दिस चार्ज प्लस ये इनसाइड वाला जो चार्ज है कलेक्टिवली दे विल मेक नो फील्ड एट दिस पॉइंट, ये दोनों पेयर बना रहे हैं तो ये दोनों पेयर वाइज दे विल नो, इनका नेट फील्ड यहां पर जीरो होगा। लेकिन ये जो बाहर वाला चार्ज है which is exactly in magnitude it will be equal to plus q और evenly distributed है, ये यहां पर फील्ड बनाएगा। कितनी फील्ड बनाएगा यहां पर, उसका वैल्यू आप सीधे के क्यू बाय 3r होल स्क्वायर लिख सकते हो। uniformly distributed है चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज आप सेंटर पे ज़ूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर यही डिस्टेंस आप लेके फील्ड निकाल दोगे। फील्ड आ गया तो ये फोर्स भी आ गया, ठीक है। सॉरी ये फील्ड स्मॉल क्यू की वजह से होती, तो के स्मॉल क्यू बाय 3r होल स्क्वायर इज द फील्ड और कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई करोगे। अगर इतना फोर्स आपका इस पे लग रहा है इस वाले चार्ज पर, तो एग्जैक्टली इतना ही फोर्स किस पे लग रहा होगा, और शेल पर। तो शेल के ऊपर भी जो नेट फोर्स है दैट विल ऑल्सो बी नॉन जीरो। And we have considered no induction. मतलब बाहर वाले चार्ज की वजह से there is no induction. No induction due to outside charge. अगर outside charge की वजह से भी induction होता then forces will change further. आपको मालूम है अगर एक neutral body होती है और एक positive charge होता है they attract slightly. कितना force होगा उसका value नहीं निकाल सकते आप actually. बहुत मुश्किल काम है वो, अभी हम उसको कर भी नहीं रहे, बट दे अट्रैक्ट। तो यानी कि अगर इनमें इंडक्शन हमने मान लिया, दोनों में इंडक्शन हो रहा है, तो फोर्सेस एग्जैक्टली ये नहीं रहेंगे, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। उसको भूल जाओ, अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहे हम। अभी मुझे ये बताओ इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर नेट फोर्स नॉन जीरो है और शेल पर नेट फोर्स नॉन जीरो है, क्या ये बातें समझ में आती है सबको? यस सर। और देखो अभी मैंने आपसे मान लीजिए एक बोला कि देयर इज अ कंडक्टर, उस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा, यस होगा।
शेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से, तो ये फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे यहाँ खत्म हो जाएंगे नेगेटिव। फिर ये जो पतला सा कंडक्टर है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो फील्ड जीरो होगी और फिर फील्ड लाइन यहाँ से शुरू होंगी। सर एक्स जीरो फील्ड मतलब कैसे फील्ड होने के बावजूद भी किसी की चार्ज की वजह से ना बेटा, अरे ये चार्ज रखा है आइसोलेटेड, इस पर नेट फोर्स कोई लगते है जबकि फील्ड बना रहा है ये चार्ज रहा अपने। और सर नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ कोई फील्ड नहीं होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज सोच के देखो, नेगेटिव 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 कितना फील्ड होगा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ है ना। अच्छा एक बात और बता देता हूँ तुम्हें, ये हालांकि बता चुका हूँ पहले भी, यार अगर जब जब भी कोई फील्ड के बारे में पूछे ना तो सबसे पहले डायरेक्शन सोचा करो किस डायरेक्शन में होगा, तो तुम्हें जीरो का आंसर तुरंत मिल जाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड किस डायरेक्शन में होगा दैट मीन्स सिमेट्री है, सिमेट्री है तो देर इज नो डायरेक्शन। अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इन जनरल सिमेट्री है किसी भी डायरेक्शन में मतलब किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री है तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो। फिर से देखिए इसमें आपने अब की बार जो है चार्ज थोड़ा सा मान लीजिए शिफ्टेड रख दिया यहां पर एट अ डिस्टेंस ए, इसका रेडियस आर है और ये मैंने फिर से लार्ज डिस्टेंस अभी मान लो इसको समथिंग लाइक 9 आर, यहां पर एक चार्ज रखा है ये स्मॉल क्यू तो ये कैपिटल क्यू। अब हमें इस पर बात करनी है, ये इस पर कोई अभी इंड्यूस नहीं कर रहा है मान लो, देयर इज नो इंडक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी अगर हम सोचें अभी भी इसके ऊपर तो कोई फील्ड इसकी वजह से नहीं होगा, बाहर वाले की वजह से नहीं होगा, अंदर ऐसा नहीं है फील्ड जीरो है, लेकिन जो भी फील्ड है वो खुद इस चार्ज की वजह से, ये भी समझो आप, इस चार्ज की वजह से अगर ये फील्ड है तो इस पर फोर्स नहीं लगाएगी ये वाली फील्ड। सो फील्ड ड्यू टू आउटसाइड जो चार्जेस हैं उनकी वजह से यहां पर जीरो, ये वाली बात अच्छे से समझ लो बेटा सब लोग। ऑलराइट नाउ अब ये ध्यान से समझना, इस पर तो यहां पर तो फील्ड है नहीं कुछ भी, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, बट इस पर नहीं होगा नेट फोर्स जीरो। तो देखो किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ये थिन मैंने बनाया है लेकिन रिप्रेजेंटेशन मैं इसका ऐसे थिक करके कर दूं, थिन ही मानना है आपको, ये दोनों रेडियस ऑलमोस्ट सेम है लेकिन दो अलग अलग सर्फेस है इसलिए बना रहा है वो। अब ये सोचना ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पर 100% नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस करेगा जिसका टोटल वैल्यू माइनस क्यू होगा। ये चीज आप यहां पर गॉसियन सरफेस बना के देख सकते हो, अंदर गॉसियन सरफेस बनाओ तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो आ जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज नाउ दिस नेगेटिव चार्ज वोंट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर ये न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली प्लस क्यू चार्ज यहां पर भी आएगा, बस अब हमें यह सोचना है कि अंदर वाला चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं था, बाहर वाला चार्ज होगा कि नहीं होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं होगा। बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। ओके अब ध्यान से समझना ये चीज, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास दो कंडक्टर हैं, दो एक कंडक्टर है और उसके दो सर्फेस हैं, ये कैविटी अंदर तो इसका एक इनर सरफेस है एक आउटर सरफेस है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि इनके जो चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस बात पे डिपेंड करते हैं, ध्यान से समझने को। चार्ज अंदर वाले का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है, किस तरह का है देखने में। अगर स्फेरिकल सरफेस है तो सिमेट्रिक सरफेस होगी, एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन चार्ज, जो अंदर आपने चार्ज रखा है उसका चार्ज का पोजिशन, इन दोनों चीज पर डिपेंड करेगा बस, दैट्स इट। बाहर का सरफेस कैसा है, बाहर के सरफेस पे चार्ज है या नहीं है, या फिर नेगेटिव है पॉजिटिव है,
उसके भी बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूशन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप ध्यान से समझ लो, इसका बाहर वाला जो सरफेस है उसका जो चार्ज वो किस पे डिपेंड करता है, इसके खुद के सरफेस पे कि सरफेस सिमेट्रिक है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा, और इसके बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट है या कि नहीं। अच्छा, चार्ज पोजीशन इनसाइड कैविटी है और ये चार्ज पोजीशन आउटसाइड आउटसाइड कंडक्टर। ये बात अच्छे से समझ लो बेटा दोनों चीजें, अंदर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अंदर वाले सरफेस पे और चार्ज पोजीशन पे डिपेंड करता है, बाहर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे, सरफेस के शेप पर और बाहर वाले चार्ज का पोजीशन पे डिपेंड करेगा। दैट मींस आई विल गिव यू सेवरल एग्जांपल्स, कंडक्टर भी स्फेरिकल और एकदम बढ़िया से यहां पर ऐसे कैविटी है। अब ध्यान समझ लो, ये कंडक्टर है और ये कैविटी है, अंदर सेंटर पर चार्ज रखना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यहां पर भी यूनिफॉर्म होगा। सेकेंड देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है लेकिन ऑफ सेंटर है, सेंटर अलग है, चार्ज अभी भी सेंटर पर रखा है, इसमें भी यहां पर भी यूनिफॉर्म होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बाहर वाले सरफेस पर भी यूनिफॉर्म होगा, दोनों जगह यूनिफॉर्म, यानी कि कैविटी की पोजीशन से अफेक्ट नहीं होता। फिर से देखिए, बोलो सर, वो जो सरफेस के हिसाब से आपका मतलब है कि अगर सिमेट्रिकल सरफेस होगा तो यूनिफॉर्म रहेगा? हाँ, वो मैं भी आसान एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं इसमें कंडीशन और क्या होगी? अब चार्ज हटाते हैं मान लो, तो ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल कैविटी है, बट चार्ज ऑफ सेंटर, चार्ज सेंटर पे नहीं है कैविटी को, तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म होगा, जबकि यहां यूनिफॉर्म होगा। अंदर वाला चार्ज और ये इंड्यूस चार्ज इसके चार्ज सिमेट्री को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म तब बन सकता है जब ये चार्ज प्रेजेंट होता है, तो अभी तो हमने दिखाया नहीं है, तो कोई बाहर चार्ज नहीं है। सरफेस पर कितना भी चार्ज हो, इट डजंट मैटर, अगर ये सरफेस सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म मतलब ये स्फेरिकल है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी में ही देखो एक बार, अगर आपने ये तो स्फेरिकल है बाहर वाला सरफेस, लेकिन अंदर वाला सरफेस जो है वो अजीब सा है कुछ, बोलो क्या रहेगा इसमें? इसपे यूनिफॉर्म आएगा नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, यस नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म तो बस स्फेरिकल वाले केस में ही रहता है, हो सकता है अंदर यूनिफॉर्म करने के लिए ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए और चार्ज सेंटर पे, तभी यूनिफॉर्म होगा। ये यूनिफॉर्म, अच्छा ये सरफेस रैंडमली कुछ भी कैसे भी शेप का भी हो सकता था, है ना, तो उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यहां पर अभी भी यूनिफॉर्म, इसको फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कर दिया ये चार सेंटर पे, अंदर वाले बताओ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और बाहर वाले पे? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सर बाहर तो कुछ चार्ज नहीं है ना? अगर हुआ तो, मतलब बाहर यहां नहीं है, इस पर चार्ज इंड्यूस तो होगा ना सरफेस पर। अच्छा, उसके कर्वेचर पे भी डिपेंड करेगा? यस यस, देखो दोनों पे भी डिपेंड करेगा, बाहर वाला जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पर और चार्ज की पोजीशन आउटसाइड करने का, इन दोनों दोनों बातों पे डिपेंड।
और देखो अब और क्या बचा है इसमें, हो गया सारे। अगर बाहर चार्ज प्रेजेंट हो, देख लो बस एक सब कुछ बढ़िया से आपने रखा हुआ है ऐसे, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो ये यूनिफॉर्म होगा 100%। लेकिन यहां पर पास में एक और पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इसके पास में, ठीक है, तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। और कोई केस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जो तुम जानना चाहते हो बता दो, अदरवाइज तो यही चीज है सारी।